श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त स्थितिश्च। लाख योनियों का वर्णन मिलता है।
करता है। स्पष्ट है कि योनि अर्थात जीव का एक प्रकार। जगत में शिवलिंग एवं योनि को अंग विशेष के रूप में प्रचारित करना सनातन धर्म को प्रदूषित करने की कुचेष्टा है। शिवलिंग एक ज्योति का स्वरूप है। आज भी शिव के 12 स्थान ऐसे हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग ही कहा जाता है। जो प्रतीक यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है यह है शिवलिंग। और अंतरिक्ष में चारों तरफ घूमती हुई वो सारी योनियां हैं। यह है मूल स्वरूप जो यहाँ उद्घाटित किया गया ताकि जगत में व्याप्त भ्रांतियां दूर हों। शिव में विश्वास, उनकी व्यापकता एवं विराटता ही शिव की प्रकाश पुंज की संज्ञा है। अर्थात शिवलिंग शिव की पहचान का द्योतक है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। ये शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अक्षर शिव है। द्वार एक भीतरी प्रवेश के लिए, यह है प्रतीक। इस स्पष्टता के उपरांत भी भ्रामक अर्थ प्रचारित करना उचित नहीं है। लेकिन शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा?
बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी। जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं, परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य प्रेम और करुणा की भावना